बिजनेस में ना दो तरह की एक्टिविटीज होती हैं, एक वो एक्टिविटी होती है जो इन द बिजनेस एक्टिविटी होती है और दूसरा होता है ऑन द बिजनेस एक्टिविटी। इन द बिजनेस एक्टिविटी कौन सी होती है, जो आपकी रूटीन की एक्टिविटी है, डे टू डे एक्टिविटी, ऐसी एक्टिविटी जिन्हें करने से आपका बिजनेस चलता रहता है। मिसाल के तौर पे आप डेली दुकान के ऊपर बैठे हैं, डेली बिजनेस के ऊपर बैठे हैं, कस्टमर आ रहे हैं जा रहे हैं, ऑर्डर प्रोसेस हो रहा है, आप माल बाय कर रहे हैं, माल सेल कर रहे हैं, डे टू डे एक्टिविटी करते जा रहे हैं, ये क्या है, इन द बिजनेस एक्टिविटीज हैं। और ऑन द बिजनेस एक्टिविटीज क्या है, आप अपने 5 साल की ग्रोथ पे काम कर रहे हो। आप देखते हो एक दुकान खोली है तो 5 दुकानें कैसे खोलनी है, आप देख रहे हो कि फाइनेंशियल सिस्टम कैसे बेहतर किया जा सकता है, जो ऐसी एक्टिविटी जो आपको फ्यूचर में आपके बिजनेस को बढ़ाएंगी, आपकी एक दुकान को 100 दुकानों में कन्वर्ट कर देगी, आपकी एक कंपनी को 10 कंपनियों में कन्वर्ट कर देगी, आपकी एक जगह पे ऑपरेशन को 10 जगह पे बढ़ा देगी। इसको कहते हैं ऑन द बिजनेस एक्टिविटीज। ज्यादातर लोग इन द बिजनेस एक्टिविटी में उलझ के रह जाते हैं और ऑन द बिजनेस एक्टिविटी करने के लिए उन्हें टाइम ही नहीं मिलता, जिसकी वजह से ओवर पीरियड ऑफ टाइम कंपेटिटर आ जाते हैं, मार्केट चेंज हो जाती है, ग्रोथ के जो डायनामिक्स हैं वो चेंज हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका बिजनेस बंद हो जाता है और आप सस्टेन नहीं कर पाते। इन द बिजनेस एक्टिविटी वो काम होते हैं जो रिपीटेड काम होते हैं, डे टू डे काम होते हैं, सिस्टम बना होता है, काम हो रहा होता है, उन कामों में अपने आप को उलझा के मत रखें, उन कामों के लिए बंदा रख लिया करें, उन कामों को आउटसोर्स कर लिया करें, उन कामों को ऑटोमेट कर दिया करें, ताकि इन द बिजनेस से थोड़ा सा टाइम बचा के ऑन द बिजनेस पे आप लगा सको, अपनी 5 साल की फाइनेंशियल प्लानिंग कर सको, अपने बिजनेस मॉडल को चेक कर सको, अपने जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक कस्टमर है उनके साथ आप डील कर सको, उनकी प्लानिंग कर सको। अब ये दोनों एक्टिविटीज के अंदर बैलेंस बना के रखना है हमने, इन द बिजनेस एक्टिविटी में और ऑन द बिजनेस एक्टिविटी में, क्योंकि इन द बिजनेस एक्टिविटी ये आपके डेली जो बिजनेस है उसके अंदर ब्लड पंप करती रहती है, उसको डे टू डे एक्टिविटीज को चलाती रहती है, और ऑन द बिजनेस एक्टिविटी ये आपकी जो ग्रोथ है फ्यूचर की उसको पंप करती है, फ्यूचर में आपकी सस्टेनेबिलिटी को बढ़ाती है और फ्यूचर में आपके जो बिजनेस के ग्रो करने के चांसेस हैं वो बढ़ाती है। तो दोनों के बैलेंस को बना के रखें, इन द बिजनेस को ऑटोमेट करें, डेलीगेट करें, इंप्लॉई रखें, ऑन द बिजनेस के ऊपर काम करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, कोई कमेंट हो जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।